हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी कुकिंग विद अंजु अतलका। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है सेमोलिना या सूजी और रवा उपमा। इट्स अ साउथ इंडियन डिश। इट्स वेरी यम्मी एंड इजी टू मेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। सूजी को रोस्ट करके अगर एयर टाइट जार में स्टोर किया जाए तो उसमें वॉर्म्स ले आते हैं। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कप सूजी ली है, 1 teaspoon राई, 15 to 20 करी लीव्स, 1/2 tablespoon उड़द की दाल, 1/2 tablespoon चना दाल, 2 dry red chilies। इन दालों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए सोक कर देंगे, हार्डली फॉर 5 मिनट्स। 1 onion चॉप्ड फाइनली, 1 teaspoon सॉल्ट और एज पर टेस्ट, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 15 to 20 किशमिश रेजिन्स, 2 tablespoon पीनट्स, 2 tablespoon डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर, 6 कप पानी लिया है। वेयर एज 1:4 का रेशियो होता है सूजी का हलवा बनाने के लिए। यहाँ हमने उपमा बनाना है तो मैंने 1:3 लिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। पैन को हीट कर लेंगे, उसके अंदर 3 tablespoon ऑयल डालेंगे। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। अब ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर राई डालेंगे। जैसे ही राई स्प्लटर होगी हम इसके अंदर कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। जैसे ही कड़ी पत्ता थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें चना की दाल और उड़द की दाल दोनों को डाल देंगे और अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे। अब हम इसके अंदर 2 dry red chilies डाल देंगे। अब हम इसके अंदर पीनट्स डाल देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। कुछ ही देर में देखिए ये सब कितने अच्छा इनका कलर आ गया है। अब हम इसमें अनियंस ऐड करेंगे और इनको 3 to 4 minutes तक सॉटे करेंगे ताकि ये सॉफ्ट और पिंकिश कलर में हो जाए। सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर सारे ड्राई मसाला ऐड करते हैं। सबसे पहले सॉल्ट, हरा धनिया, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और इनको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें रेजिन्स डाल देंगे और डेजिकेटेड कोकोनट थोड़ा सा एंड रेस्ट वी विल सेव फॉर गार्निशिंग। अच्छे से इसको मिक्स करते रहें और स्पैचुला को चलाते रहें। हमारा मसाला बनके तैयार है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। 2 कप सूजी है और हमने 6 cups ऑफ वाटर लिया है। अब आप इसको टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको सॉल्ट कम लग रहा है तो आप इस स्टेज पे डाल दीजिए। मुझे सॉल्ट थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं 1 teaspoon और डालूंगी क्योंकि हम सेंधा नमक यूज करते हैं, ये सॉल्ट थोड़ा सा ज्यादा डलता है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे और इसको अच्छे से 2-3 boils हम आने देंगे। देखिए बॉयल आने की तैयारी हो रही है। अब हम इसको कवर नहीं करेंगे, ऐसे ही ओपन बॉयल करेंगे। कितने अच्छे से बॉयल आ गया है इसको। हमने इसको थ्रू आउट हाई फ्लेम पे कुक करा है। अभी भी इसको 3-4 मिनट ऐसे ही बॉयल आने दीजिए। अब इसको 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर सूजी डालेंगे। फ्लेम थोड़ी सी कम कर दी है। धीरे धीरे आप इसके अंदर सारी सूजी ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से स्टिर कीजिए ताकि इसमें कोई लंप्स ना हो। ये बहुत ही लाइट और बहुत ईजी है इसको बनाना। इट इज़ माई फेवरेट। और सबका अपना अपना तरीका होता है इसको बनाने का, मेरा ये तरीका है। सो थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू ऑल। अब इसको अच्छे से स्टिर करते रहें और जब तक ये पानी पूरा एवेपोरेट ना हो जाए हमने इसको कुक कर। इसको अब आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको अभी पानी हमने इसके अंदर थोड़ा और ड्राई करना है। हो गया है, दिस इज डन। अभी इसको 2-4 मिनट अभी हम ऐसे ही कंटिन्यूसली करेंगे। देखिए काफी हद तक इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही बढ़िया बनता है, कंप्लीट मील है अपने आप में। आप इसको लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में कभी भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसको 6 से 8 मिनट लगते हैं बनने में। हमारी सेमोलिना बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। अभी ऑलमोस्ट हमारा बन के तैयार है। थोड़ा सा जब हम इसको प्लेट में डालेंगे तब भी ये थोड़ा सा ड्राई होगा अपने आप। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और प्लेटिंग कर देते हैं। सिंपली लव द नेम सेमोलिना, ब्यूटीफुल। आवर रवा उपमा इज रेडी। सर्व्ड इट विद मिंट चटनी, नॉट विद दैट रेगुलर कोकोनट चटनी, garnished with dry coconut. If you like it, then do like, share and subscribe my YouTube channel
इजी कुकिंग विद अंशु अदलका। टेक केयर ऑफ ऑल द एल्डर्स इन हाउस, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।